बरेली कॉलेज में हम लोग पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि परिसर को हम लोग रैगिंग मुक्त परिसर बना के रख सकें। रैगिंग एक गंभीर अपराध भी है और UGC के स्पष्ट निर्देश हैं कि महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक महाविद्यालय में हुई घटना की बात है, ऐसी एक शिकायत आई है जिस पर हमारा एंटी रैगिंग कमेटी जाँच कर रही है, प्रोक्टोरियल बोर्ड भी सक्रिय है, जो स्थिति होगी वो सामने निकल कर आ जाएगी। बहरहाल हम अपनी सफलता इस बात में मानते हैं कि हमारी लॉ की कक्षाएँ विधिवत चल रही हैं और लॉ के सभी विद्यार्थी विधिवत कक्षाएँ अटेंड कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों के बीच का ये जो आपसी संवाद होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने सीनियर से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, तो निश्चित बात है कि सीनियर्स को भी एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए और जूनियर्स को भी ये समझना चाहिए कि सीनियर्स हमसे बड़े हैं, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उसको समझें। देखिए, रैगिंग तो वैसे ही बैन है और कॉलेज कैंपस में अगर रैगिंग होती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य बनता है कि वो उसके लिए सख्त कदम उठाए। और रैगिंग की जो ताज़ा घटना अभी हमारे कॉलेज में घटित हुई, उसमें कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की चूक को हम मान सकते हैं कि जब हमारे यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड है और वो लगातार निगरानी रखता है इन बच्चों के ऊपर, उसके बावजूद भी क्लासरूम में घुसकर इस तरीके की अगर घटना होती है तो इसमें उनका कहीं ना कहीं प्रशासन में चूक होने की बात हमारे लिए लगती है। और देखिए, रही बात चेकिंग की कि इसको हम कैसे अवॉइड करें, तो कॉलेज के अंदर कैंपस में आपने देखा होगा बहुत जगह एंटी रैगिंग के बारे में नियम वगैरह लगे हुए हैं जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा लगे हुए हैं और बच्चों को इस बारे में अवगत भी कराया गया है कि रैगिंग अब नहीं होगी। देखिए, परिचय की बात जो आपने कही बहुत अच्छी बात कही। एक हमारे यहाँ परंपरा थी, जब मैं स्टूडेंट थी इस कॉलेज की, तब ये परंपरा थी कि वेलकम और फेयरवेल होता था। वेलकम जो है वो सीनियर लोग करते थे अपने नए न्यू कमर्स का, और वो फैकल्टी वाइज करवा दिया जाता था। जैसे MA वाले तो अपना कर ही लेते हैं, और BA लेवल पर जो है वो आर्ट्स कॉमर्स का सब्जेक्ट वाइज जिसमें ज़्यादा बच्चे होते थे वो करवा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो अपने जूनियर्स को पहचान जाते थे और जूनियर्स जो हैं वो अपने सीनियर्स को पहचान लेते थे। तो इस तरीके से वेलकम और फेयरवेल, बाद में फेयरवेल होती थी सेशन के एंड में, तो वो अपने सीनियर्स को एग्ज़ाम से पहले फेयरवेल दिया करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं ख़त्म हो गई, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये खुद भी है क्योंकि बच्चों ने कॉलेज में अटेंडेंस शॉर्ट होने लगी और बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन हर रोज़ क्लास में ये समस्या आती है हमारे सामने कि आज हम दिन 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 15 को पढ़ा रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे बच्चे आते हैं, तीसरे दिन तीसरे बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से रोज़ाना नए बच्चे आते हैं, जब जिसे फुर्सत मिलती है वो आ जाते हैं। सर, जो रैगिंग है तो इसको अदालत ने रोक लगा रखी है, प्रतिबंध कर रखा है कि कोई भी सीनियर बच्चा जूनियर बच्चे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ना ना करे। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कहीं रैगिंग की घटना हो रही है, तो ये निस्संदेह रूप से बहुत ही अफसोसजनक है कि आज के दौर में जहाँ शिक्षा को लेकर के सरकारें गंभीर हैं, तो रैगिंग को लेकर के भी जहाँ अदालतों ने आदेश जारी कर रखे हैं। हमारा मानना है रैगिंग वास्तव में नहीं होना चाहिए, अगर कहीं रैगिंग हो रही है तो इसके लिए वहाँ के महाविद्यालय तथा वहाँ के प्रबंध तंत्र को जिम्मेदार होना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि किसी भी तरीके से रैगिंग ना हो और रैगिंग के कारण किसी को कोई परेशानी ना हो। जूनियर और सीनियर का परिचय तो है कि सम्मान तो होना चाहिए, सीनियर का सम्मान तो बच्चे करते भी हैं अमूमन, अगर माहौल ऐसा बनाया जाता है कि ये हमारे सीनियर हैं उसका हम सम्मान करें, और सीनियर को भी ये चाहिए कि जूनियर बच्चे को ये ना लगे कि कहीं हमारे लिए दबाव में हमें लिया जा रहा है, ये हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या जो नेतागिरी से आते हैं, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए रैगिंग का प्रयोग करते हैं, जबकि वो गलत है। रैगिंग का मतलब होता है कि हम सही शिक्षा दें अपने जूनियर्स के लिए, अपने छोटे भाइयों को समझना चाहिए, छोटे भाइयों की तरह समझना चाहिए उन्हें, इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ पे, कि हम आगे, हम जूनियर्स बहुत छोटे होते हैं, सीनियर बहुत बड़ा होता है। यहाँ एजुकेशन हवे, एजुकेशन में ही हम लोगों को ऐसा बताना चाहिए कि हमें एजुकेशन के बारे में ही बताना चाहिए, उसके बारे में कि हम कैसे बच्चे को पेश आएँ टीचर्स के साथ, कैसे पेश आएँ हम अपने से बड़ों के साथ। जूनियर सीनियर का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे को बताते रहें, हम समस्याएं को दूर करते रहें, उस तरह की बातें करना चाहिए था।
भैया हम जूनियर्स के लिए अपने एक बड़ा सीनियर्स के लिए जूनियर्स के लिए अपने एक छोटा भाई समझना चाहिए और उसी की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ रैगिंग मेरे हिसाब से गलत है कि अपने से छोटे के लिए परेशान करना, मैं गलत मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि एक आपका छोटा भाई है तो आपको उसके लिए बताना चाहिए और जो उसे नहीं पता उसके बारे में बताना चाहिए, आप उसको परेशान कर रहे हैं, इसी गलत है। मतलब जो सीनियर जो जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है बच्चे का, तो उसे जो बड़े क्लास वाले होते हैं, सेकंड ईयर वाले होते हैं, तो उन्हें उन्हें मतलब बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से उन्हें अगर किसी उसमें जाना है, ऑफिस में जाना है, तो उसकी जाने में मदद करते हैं। अगर कोई फॉर्म वगैरह पूछना है तो उसके बारे में वो बताएंगे सीनियर, और उनसे बुक्स वगैरह जैसे उन्हें हेल्प करनी है कि बुक्स का नाम वगैरह, तो उसमें हेल्प कर देते हैं। और सेकेंड ईयर में ये होता है जैसे कि अगर हम सेकेंड ईयर के हैं और कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उन्हें उस तरीके से बताना चाहिए कि देखो कॉलेज में इस तरीके से पढ़ाई होती है हमारे क्लास में, और इस तरीके से व्यवहार है, इस तरीके से रहना पड़ेगा आपको, या इस तरीके से टीचर से संबंध बनाना पड़ेंगे, आपकी लाइब्रेरी वहाँ है, बुक्स वगैरह वहाँ मिलती हैं, या फिर कुछ अन्यथा कोई भी लैब वगैरह बताना उन्हें, ये चीज़ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि उन्हें आए धमकी दे रहे हैं, हाँ भाई क्या है ये कॉलेज में कि ऐसा है तुम सीनियर हो, हम उन्हें दबा के रखें, दबा के नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए और बताना चाहिए कि हम आपके सीनियर हैं और ऐसे ऐसे अगर हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको मदद चाहिए तो हमारे हमसे मदद कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट वगैरह हमारा ले लें जिससे हम आपकी मदद कर सकें पढ़ाई में। जूनियर और सीनियर के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे हमारे बड़े भाई होते हैं जो गाइड करते हैं हमें घर पर, ऐसे ही सीनियर को भी जूनियर को गाइड करना चाहिए जो भी कॉलेज में है और कुछ भी होता है, लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें गाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं धमका के रखें उन्हें। और जैसे पहले चलता आ रहा है रैगिंग होती है, धमका के रखते हैं, सीनियर लोग आते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे संबंध होने चाहिए, भाईचारे वाले संबंध होने चाहिए बिल्कुल।